हेलो, कल हमने पढ़ा था कि सीएफजी का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं और उसका एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, उसमें तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है यूजलेस वेरिएबल को रिमूव करना, दूसरा स्टेप होता है नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना, तीसरा स्टेप होता है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना। ठीक है, यहाँ पे हमको केवल एक ही स्टेप करना है, यूजलेस वेरिएबल्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रिमूवल ऑफ यूजलेस वेरिएबल कैसे करते हैं। दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल हमारा आरएचएस में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वेरिएबल हमारा आरएचएस में प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब वो वेरिएबल हमारा यूजलेस हो गया। ठीक है, पर अगर आरएचएस में प्रेजेंट है तो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। सेकेंड स्टेप होता है, हम ये देखते हैं वो वेरिएबल टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो टर्मिनेट हो रहा होगा तो इसका मतलब है फिर वो यूजफुल है हमारे लिए, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो फिर वो ये हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंबल्स नॉट अपीयरिंग एट आरएचएस, केवल एस हो सकता है, स्टार्ट सिंबल हो सकता है ऐसा जो आरएचएस में नहीं है तो भी ठीक है। ठीक है, अब सेकंड देखिए, पाथ नहीं होना चाहिए टर्मिनेट करने के लिए। टर्मिनेट दो तरीके से होता है, या तो डायरेक्ट टर्मिनेट होता है या फिर इनडायरेक्ट टर्मिनेट होता है। डायरेक्ट टर्मिनेट कैसे होता है, इधर लिखा होगा नॉन टर्मिनल, इधर लिखा होगा टर्मिनल। नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर्स में होता है, टर्मिनल स्मॉल लेटर्स में होता है। अब इनकी जगह पे प्रोडक्शन कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक ही जगह कोई भी नॉन टर्मिनल हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी, यहाँ पे भी कुछ भी। इनडायरेक्ट कैसे होता है, मान लीजिए ए था, ए हमारा बना रहा है ए बी और बी हमारा स्मॉल। ठीक, तो ये कैसा है, इनडायरेक्ट टर्मिनेट। मतलब डायरेक्ट टर्मिनेट डायरेक्टली वही टर्मिनेट कर देगा, उसी को ड्राइव कर देता है टर्मिनल को। और इनडायरेक्ट टर्मिनेशन में क्या होता है, डायरेक्ट टर्मिनल को ड्राइव नहीं करता, इनडायरेक्टली। देखिए, ए से पहले कैपिटल बी पे गए, फिर कैपिटल बी से हम स्मॉल बी पे गए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ये हमने अपना क्वेश्चन सबसे पहले उतार लिया। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे पास। देख लीजिए कौन कौन से वेरिएबल हैं, एस है, ए है, बी है, सी है, टी है। ठीक है, एस तो कभी यूजलेस होगा नहीं क्योंकि स्टार्ट सिंबल है। ए को चेक करते हैं। ठीक है, अब पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि ए हमारा आरएचएस में प्रेजेंट है या नहीं है। तो किसके लिए चेक करेंगे, ए के लिए कि वो आरएचएस में प्रेजेंट है या नहीं है। तो पहली कंडीशन क्या चेक होगी कि आरएचएस में प्रेजेंट है या नहीं है, तो देख लीजिए, चलिए चेक करते हैं चल के। ए देखिए आरएचएस में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब आरएचएस में प्रेजेंट है, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक, अब दूसरी चेक करेंगे, दूसरी कंडीशन क्या होती है, हमारा टर्मिनेट होना चाहिए। ठीक है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पहले हम डायरेक्ट टर्मिनेट चेक कर लेंगे। अगर डायरेक्ट हो रहा होगा तो वेल एंड गुड, देखते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ए खुद ही ड्राइव कर रहा होगा टर्मिनल को। देखिए ए को ड्राइव कर रहा है, मतलब डायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो डायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो गया, यूजफुल। ठीक है, अब हम बी को चेक करेंगे, चलिए बी को चेक करते हैं। फर्स्ट क्या चेक करेंगे कि आरएचएस में बी हमारा है या नहीं है, देखते हैं। चलिए, बी आरएचएस में है या नहीं है, बी देखिए आरएचएस में है। ठीक है, तो इसका मतलब आरएचएस में प्रेजेंट है। अब सेकंड चेक करेंगे, क्या बी टर्मिनेट हो रहा है, देखते हैं। बी पहले डायरेक्ट टर्मिनेशन चेक करते हैं, तो डायरेक्ट तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि बी ने डायरेक्ट किसी टर्मिनल को नहीं बनाया। अब आप ये नहीं कहेंगे बी बी है क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनल आ गया। डायरेक्ट टर्मिनेट कैसे होता है, ये डायरेक्ट टर्मिनेट होता है, ऐसा हो सकता है या फिर ए बी ऐसे करके भी लिखा हो सकता है, पर सारे यहाँ पे क्या होंगे, केवल टर्मिनल्स। ठीक है, तो यहाँ बी हमारा डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ। आप इनडायरेक्ट देखते हैं, बी हमारा ए को ड्राइव कर रहा है, क्या ए टर्मिनेट हो रहा है, देखते हैं क्या ए टर्मिनेट हो रहा है। हाँ देखिए ए टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख के भी आए थे कि डायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है ए। ठीक है, तो इसका मतलब है बी हमारा कैसा हो गया, इनडायरेक्टली टर्मिनेट हो गया, इनडायरेक्ट टर्मिनेट हो गया, तो बी भी हमारा कैसा हो गया, यूजफुल। ठीक है, चलिए अब हम सी को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, क्या आरएचएस में सी प्रेजेंट है, देखते हैं, है आरएचएस में प्रेजेंट। ठीक है, तो आरएचएस में तो सी प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, अब सेकंड चीज देखते हैं कि टर्मिनेट हो रहा है, देखते हैं क्या डायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, नहीं डायरेक्ट तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इनडायरेक्ट देखते हैं, सी सी को बना रहा है और सी तो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, तो ये वाला तो नहीं हो पा रहा है। आगे देखते हैं, सी डी को बना रहा है। ठीक है, अब सी डी को बना रहा है, अगर डी टर्मिनेट हो जाता है तो इसका मतलब सी भी होगा। सी ने डी को बनाया, फिर डी पे जाते हैं, डी देखते हैं, लो डी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया,
ये हमारा ना ही डायरेक्ट टर्मिनेट हुआ ना ही इनडायरेक्ट टर्मिनेट हुआ, मतलब कि जो टर्मिनेट था वो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब सी कैसा हो गया हमारा, यूज लेस। ठीक, और जो यूजलेस हो जाते हैं उनका हम प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे अभी हम कर देंगे। चलिए हम डी को भी चेक कर लेते हैं। पहले डी आर एच एस में है प्रेजेंट, देख लीजिए आप, डी आर एच एस में प्रेजेंट है। देखिए डी आर एच एस में प्रेजेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आर एच एस में प्रेजेंट तो है। सेकंड देखते हैं क्या डी टर्मिनेट हो रहा है, देख लेते हैं क्या डायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या इनडायरेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, देखते हैं डी किसको बना रहा है, सी को। और देखिए यहाँ पे सी टर्मिनेट नहीं हो रहा था, और यहाँ पे आप चाहें तो देख भी सकते हैं सी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डी भी क्या हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। तो डी भी क्या हो गया हमारा, यूजलेस। तो सी और डी जिस जिस प्रोडक्शन में आ रहे होंगे वो प्रोडक्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से प्रोडक्शन हमारे रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए सी आ रहा है, ये रिमूव हो जाएगा, ये देखिए सी आ रहा है, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये डी आ रहा है, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये डी आ रहा है, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये सी आ रहा है, ये भी रिमूव हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली देख सकते थे कि सी और डी ये सिंबल ही रिमूव हो गया, तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, लिख लीजिए आप आंसर हमारा क्या होगा, ऐसा हमारा ए बी, ए ए बी, बी ए ए ए और बी बी ए, ए ए बी, ए बी, ये हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट सी एफ जी विदाउट यूजलेस सिंबल, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अगर आप आगे भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए।